हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक नोटिस वायरल हो रहा है कि जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम है, जो दिल्ली रीजन के हैं, जो दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं, वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उस नोटिस के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। नोटिस आप पढ़ सकते हो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है पूरा नोटिस, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहां पे पढ़ लेना। देखिए उन्होंने बात की है दोस्तों कि जो कोरोना वायरस है वो दिल्ली में काफी स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो आपके 23 तारीख से 23 नवंबर के बाद के जो एग्जाम है उनको पोस्टपोन्ड करके जनवरी और फरवरी तक करने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये नोटिस काफी वायरल हो रहा है। फिर आपका सवाल आता है कि सर क्या होगा, हमारे पेपर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, ऐसा है कि थोड़ा बहुत कोई केसेस बढ़े हैं दिल्ली में, लेकिन अभी तक मैं नहीं मानता कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि ऑफिशियल नोटिस है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड ही होंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएगी, जब तक एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा या फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, आपका एग्जाम आगे खिसकाया जाएगा, तब तक हमें नहीं मानना चाहिए ऐसा कुछ ज्यादा। ऐसा डरने की कोई बात नहीं कि आपका, देखिए जब एसएससी नोटिस निकालेगी तभी हमें ऐसा कुछ मानना चाहिए कि भाई हाँ एग्जाम पोस्टपोन्ड है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये लेटर शायद में भी दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ हो। ठीक है, तो अभी तक आप यही उम्मीद रखो कि आपका एग्जाम उसी टाइम पे होगा, और थोड़ा सा वेट करो, 20-22 तारीख तक आपके आ जाते हैं दिल्ली इस रीजन के एडमिट कार्ड, तब तक आपको वेट करना होगा। ठीक है, और अभी बिल्कुल भी ऐसा मान के ना चले कि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे। जब भी पोस्टपोन्ड होंगे तो आपके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, आपको एसएससी की साइट पे या दिल्ली पुलिस की साइट पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ऑफिशियल नोटिस मिलने के बाद ही आप इस चीज पे अपनी मोहर लगाएं, ठप्पा लगाएं कि हाँ अब एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे जनवरी फरवरी तक। ठीक है, बाकी आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं धीरे धीरे, और भी जैसे जैसे एडमिट कार्ड आपके आते जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक, काफी बच्चों के मन में भय है कि सर अब क्या होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, पोस्टपोन होने की अपडेट आ रही है काफी यूट्यूब चैनल पे। हाँ देखिए, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो नोटिस पढ़ा मैंने भी वही नोटिस पढ़ा है, वो बात सही है उस नोटिस में कि उन्होंने ये बोला है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता इस नोटिस से कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो ही गए। ठीक है, जब तक आपके एसएससी की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको नहीं मानना है, या फिर कोई ऑफिशियली, तो मुझे इतना कुछ ये इसमें दम लग नहीं रहा जो भी है ये नोटिस में। आपको सही बात बताऊं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और कोई नोटिस जरूर देगी हमें, ऐसा ऐसी बात नहीं है, तो हमें उस नोटिस का वेट करना चाहिए। बाकी आप एडमिट कार्ड का तब तक वेट करो, 2-4 दिन और 20-22 तारीख तक। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्त देखिए, आपको लगभग कल 20 तारीख है, 20 तारीख के 5 बजे तक ऐसा कोई अपडेट आ जाएगी आपके पास, ऐसा सुनने में आया कि 20 तारीख को 5 बजे तक कोई न्यूज मिल जाएगी आपको, एसएससी की तरफ से पूरा अपडेट कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो आप कल तक का इंतजार करें, जैसे भी कोई आपके पास न्यूज पहुंचेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगी, हमारे पास पहुंचेगी, तो हम जैसा हमेशा आपको अपडेट करते हैं उसी प्रकार से आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, पढ़ते रहो, उसी प्रकार से पढ़ो कि यही मान के चलो कि हमारे एग्जाम अभी हैं। ठीक है, तो बाकी ये देखिए दोस्तों, ये जो दिल्ली का एरिया है इसी के लिए है, बाकी जो बाहर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं उन पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ेगा, उनके एग्जाम है वैसे के वैसे होंगे, और मुझे जहां तक लग रहा है एग्जाम यहाँ भी होंगे। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे ही कोई न्यूज आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाकी आप चैनल से जुड़े रहो तो आपको पूरा अप टू डेट रखेंगे हम, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मजे से पढ़ो, मजे से रहो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।